आदरणीय श्रोतागण, युवा बालक और माताएं और बहनें, वैसे तो हमें अनेक कैसटें धार्मिक कथाओं की भरकर के तुम तक पहुंचा चुका हूं। दुर्राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोग अच्छी तरह श्रवण कर चुके हो, आपने उसे लोकप्रियता भी इतनी दी है कि मुझे इस पर नाज तो नहीं है लेकिन हर्ष अवश्य। मेरे हम उम्र दोस्तों, आज तुम लोगों के सामने सती सिलोचना जो महान साध्वी हुई है उसका पावन आख्यान राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। जिस समय कुंभकर्ण मारा गया, रावण को बड़ा कष्ट होता है, सोचने लगा कि अब कोई ऐसा वीर नहीं जो युद्ध में जाए, मालूम नहीं क्या होना है, कुछ समझ न मेरी आता है, निश्चर दल घटता जाता है और विजय राम दल पाता है। चाचा कुंभकर्ण ही तो हमारे हैं,
अभी आपका पुत्र खन्नाथ जीवित है, जो उसे कान से पकड़कर तलवार ने लाया था। अरे तुम भी धीर और योद्धा हो, व्याकुल होने का काम नहीं। हम जीतेंगे रामाधन को, नाय मेघनाथ मेरा नाम नहीं। आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीनों लोकों में आज तक मेघनाथ को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जब तक मेघनाथ जीवित है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जिसके डर से तूफान अपना मार्ग बदल लेता है, समुद्र जिसके लिए स्वयं मार्ग बना देता है, और नदियां जिसके डर से सूख जाती है, और स्वर्ग लोग थर थर कांपने लगता है। उस खन्नाथ के सामने वो भालू और बानर वाले वनवासी भला कितने क्षण तक टिक सकते हैं? शाबाश मेघनाथ, शाबाश। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम जानते हैं कि वो वनवासी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। जाओ पुत्र, जाओ युद्ध स्थल पर जाने की तैयारी करो। प्रणाम तेजस्वी। विजय भव, यशस्वी भव। हम लंके छलंके। युद्ध भूमि से विजय रथ पर सवार होकर शीघ्र लौटना स्वामी। मैं आपकी दासी अरमानों की सेज पर पलके बिछाए इंतजार करूंगी। दोस्तों, इतना कह करके मेघनाथ अस्त्र शस्त्र बांध करके घोड़ों वाले रथ पर सवार हुआ। और आ गया रामादल में ललकाराए बानरो, फेर जाओ। अब पता लगेगा तुम्हें मुझे ही घन्नाथ कहते हैं। दोस्तों, इतने जो वचन सुने हैं तो रामादल के सारे बानर टूट पड़े, इधर राक्षस भी टूट पड़े। अंबर में रथ उड़े, समर में लड़े असुर बलधारी, छोड़े माया के बानर के क्रोध करके भारी। अरे क्रोध कर भारी, क्रोध कर भारी, क्रोध कर भारी, सुनो सरदारी। नारद, छोड़े माया के बानर के क्रोध करके भारी।
बाण इस तरह से मारे कि सूर कट कट के गिरने लगे, लेकिन रामा दल के बहादुर हिम्मत नहीं हार रहे, आदि मेघनाथ की सेना को काट डाला। और जानते हो बेटा, अरे लख के असुरन की हानि, मरना तो है ही, लेकिन अब हमें मनमानी कर लेनी है। और जानते हो दोस्तों, कुंभकर्ण की याद करके उसकी धमनियों को गरम गरम खून उबल पड़ा, और क्या किया उसने, अरे सावन में झर लगे के जाने बाण दादा बरसाए रे, सुग्रीव अंगद सब जमीन पे गिर पड़े। अरे की कत है सब कपीरे के पेश नाई ताई, अरे की कत बंदर भालू रे पेश नहीं भैया, we'll be right back।
से नांग फांस फेंक दिए, मेघनाथ ने और रामा दल के सारे जवानों को बांध लिया। अब तो सन्नाटा खिंचने लगा कि गजब हो गया। क्या हुआ? आज बांध लिया सब कटक धरण दय पटक राम दल सारो, एक जाम बंत रह गओ रे के सबते भैया न्यारो। ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ बूढ़े जामबंत बच गए और सारी सेना बन गई नाम फांस में। अरे के सबसे न्यारो है सबसे न्यारो यार मेरे न्यारो के सबसे न्यारो, एक जाम बंत रह गओ तो सबसे न्यारो, एक जाम बंत बच गओ। दोस्तों सारा दल जमीन पर पटक दिया। अब मेघनाथ धर के किलकारा, अरे मची दूर दिखावे रण मेरे तू प्राण खोई तेरे जन मेरे मती, जामपन से कहने लगा घन्नाथ, अरे बूढ़ा अब तू क्या करेगा, कछु सोच समझ ले मन लगा। ओरे बुड्ढा अब तू ज्यादा जोर ना दिखाए, वृद्धावन में तेरी मौत हो जाएगी। जामबंद कहने लगा, क्या बोला, मेरे परोच में रे तूने मेरे परोच में ओ पापी कैसा अंधेर मचाया है, सावधान हो जा ये बूढ़ा नाहर आया तेरी जान लेने के लिए। अरे जब हमसे तपन बाकी रह जाए तो राम से दबा करवाना। इतने जो वचन सुने सुन जाम बंत के बैनरे करके भारी
सिला तो पत्थर दानी भैया गदा की खाली चोट देख के पापी ऋषि आयो यारो गदा की खाली चोट देख के दुश्मन ऋषि आयो भैया गदा की खाली चोट देख के पापी ऋषि आयो पापी धोखा या दगा देख करके मेघनाथ की आंखों में खून आ गया। जामवंत में गदा का प्रहार किया था लेकिन जामवंत बूढ़ा था ना, लेकिन दोस्तों खिलाड़ी बड़ा गजब का था, गदा को बचा लिया उसने, सिला सामने कर दी। फिर भी घननाथ कहने लगा कि हमने बूढ़ा जानकर गदा ताकत से नहीं मारी। जामवंत कहने लगा, ओरे कमीन की औलाद, तूने बार करने में कमी नहीं की लेकिन गदा जब नहीं मार पाई तब ये बहाना कर लिया। गुस्से में आकर मेघनाथ कहने लगा, क्यों रो ज्वादा कर अभी तो पकड़ चीर मेहदारों तेरे ऊपर भूत सवार मिटाई उतारू। भारी क्रोध रे असुर को हुई आओ तन में बहुत रे गौ तुलसियाई। अरे मत भई खल बली रामा तो दल में मर दो ध्यान रे बिछर नहीं जाए। ध्यान रखना दोस्तों, युद्ध बड़ा विलक्षण हो रहा है। सौरे मित्र मेरी जाए, अरे ध्यान गरुड़ को के रामा दल धरी लो तोलो रे गरुड़ यहां पहुंच आए। अरे नांग फांस के गरुड़ ने काटी सबरे बिसियर है ये जवाए। अरे विकट लड़ाई है समय जामवंत पर टूटा करके क्रोध के जामरे पंत ने पापी की टांग है पकड़ लई जाए। अरे उठ के जवान के खड़ो न हो पाओ और इन सपने बैठो है घुमाए। धर के फेंक रे दो तो दुश्मन लंका में गिरो तो तुरंत जाए। आज लगी कचहरी है जान तो रावण की वहां पे मेघरे नाद गिर जाए। नाग फांस में जो बंधे हुए थे सारे बंदर भालू हनुमान राम लक्ष्मण सुग्रीव
गरुड़ ने आकर के भक्षण कर लिया, सब छोड़ा दिया। इधर जामवंत ने जांग पकड़ के जिस समय मेघनाथ को फेंका तो दोस्तों वो जाकर के रावण की सभा में गिरा। असंभव, असंभव, इंद्रजीत को कोई प्रास्त नहीं कर सकता, ये जरूर कोई षड्यंत्र है। दुश्मन ने किसी बहुमूल्य को यहाँ पर भेजा है। ओ वनवासी राम, हम तेरी चाल में फंसने वाले नहीं है। जब मेघनाथ को मूर्छा आ गई और मूर्छा जगी तो उसने क्या देखा, उत मेघनाथ रण धीर घिरो जब वीर उठो बलदाई, जग सन्मुख ठाड़ो बापुरे के गौए बहुत लजाई। दोस्तों जब मेघनाथ खड़ा हुआ तो सामने रावण खड़ा है, अब तो मेघनाथ को इतनी लज्जा आई। मेघनाथ को बहुत लज्जा आई, सोचने लगा राम से विजय पाने के लिए अब हमें यज्ञ करना चाहिए। और जब यज्ञ के बारे में उसने विचार बनाया तो दोस्तों ध्यान रखना, जो विभीषण है वो समझ गया कि मेघनाथ यज्ञ के लिए जा रहा है। एकदम से विभीषण भागे और भाग करके राम के पास गए और कहने लगे प्रभु गजब हो गया। राम जी बोले क्या बात है भक्त? कहने लगे महाराज रण जीतन को यज्ञ करन को मेघनाथ धायो, जीतन को यज्ञ कर रहे हो मेघनाथ स्वामी, पर पाई लड़े गो आए महासब वो माया विकामी। कहने लगे महाराज अरे यज्ञ संपूर्ण कर ले गो और जीत सके नहीं कोई पट परा सब कोई कर ले गो, पट परा सब कोई कर ले गो, भाई जीत सके नहीं कोई पट परा दल को कर ले गो। अरे आपसे सत्य कहूं बानी और करो यज्ञ विध्वंस हो तब रण में मन मानी। अरे बचन सुन रघुबर हर साए, रे बचन सुन रघुबर हर साए, ओ अंगदाद हनुमान नील नल दोनों समझाए। यज्ञ में जाय बिघन डारो, रे यज्ञ में जाय बिघन डारो, और लक्ष्मण से कह रहे जाय तुम दुश्मन को मारो। सेना ले जाइयो, भगवान कहने लगे अरे विभीषण सेना ले जाओ, देवन को मेटो कैसे बन जाए बाकी छुड़वाओ। राम की ओर आज्ञा पाई और दौड़े भालू की दमिश्र गए वहां से बंद। कहने लगे महाराज अगर पापी की यज्ञ संपूर्ण हो गई
तो रामा दल का पटपरा हो जाएगा। उसी समय राम ने अंगदाद हनुमान नलील विभीषण से कहा कि सेना लेकर जाओ और मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कर दो। दोस्तों क्या हुआ, इधर तो मेघनाथ पद्मासन लगा के बैठ गया। धर ध्यान आउती दे यज्ञ करने के लिए। दोस्तों ध्यान रखना, धर के लात मार दी किसी बंदर ने। घन्नाद कहने लगा, तुम लोगों ने हमारे यज्ञ को बिगाड़ दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी खाल खींच करके भूस भर दूंगा। बंदर और भालू व्याकुल हो गए। अरे ऐसे कैरूर पर हो है,
दल के रे सबई मूर्छ दुवे ऐसो असुर ने करो तो मैदान भक्त भीषण ने रे तब जानी आपस में फंस आए हैं सबन के प्राण चुअर खानों के समर में हुई रहो और मूर्छित हुई गए थे हनुमान लक्ष्मण ने बाण है धर के रे मारो छाती मेरे लो बांध निशान अरे तक के सीना में पैठ गई से जी कढ़ गए मेघनाद के प्राण यार मेरे परले हुई आई दोस्त मेरे परले हुई आई धरती रखना दोस्तों शेष अवतार लक्ष्मण ने बाण मारा मेघनाथ मर के जमीन पर गिर पड़ा जानते हो कब मरा अरे तेरा सुफागुन सुदी वीर बलदाई तेरा सुफागुन सुदी वीर बलदाई मेघनाद गाओ जूज सुनो मेरे भाई तेरस फागुन सुदी दोस्तों मेघनाद मारा गया महाराज भुजा जकी गिरी भवन में जाई कटियो धागो शीश कट के वीर को शीश राम के चरण गिरो भैराई कट पापी को शीश सुदी ये वीर तेरस को मरा है और ये भुजा कट करके जाकर के सिलोचना के आंगन में गिरी और मेघनाथ का सर कट के भगवान के चरणों में गिरा। इधर शेष अवतार लक्ष्मण पहुंच गए राम के पास में सेना के सहित राम के चरणों पर जब गिरे तो प्रभु ने क्या किया अरे भर जेट भात लियो छन में अरे भर जेट राम ने लक्ष्मण की और पीड़ा सब हर लई तन की अरे हसी हाल और सेना है रे कब भालू
कैसी गुजरी बा कहानी मो समझियो कैसी गुजरी। लक्ष्मण को छाती से लगा लिया और कहने लगे, कहिए से सावतार लक्ष्मण, रड़का हाल किया, मेघनाथ कैसे मारा गया। एकदम से लक्ष्मण प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, हे नाथ, सब तुम्हारे प्रताप से, तुम्हारी महिमा से उस असुर पर हमने विजय पाई है। ठीक है, भगवान कहने लगे, मेघनाथ का सर तो यह पड़ा है। विभीषण से कहा कि भक्त इसको उठाओ और तेल मंगा करके तेल में डुबो करके इसको रख दो। दोस्तों इधर तो मेघनाथ का सर सुरक्षित जगह पर रख दिया गया। भुजागिरी भैराई भमन में जाई धरण पे आई, इत सिलोचना रई सोय रे नांग की भैया जाई। सिलोचना नहीं सोई रे नांग की भैया जाई। रूप रस गुण खान भान उन मान छता छविछाई छता छविछाई। सुरपति की अख के जाल रे के नारियर मुरझाई। ध्यान रखना, जिस समय मेघनाथ की भुजा जाकर के सिलोचना के आंगन में गिरी, उस समय शेष की लड़की गहरी नींद में सो रही थी, जो आवाज सुनी है तो झपट के पलका से उठी। लेकिन हुआ क्या, आज बेगी बेंदी रपट भाल से समझ गई।
कि ये बहा किसकी है, और आगे बढ़ करके उसने अपने प्रीतम की बहा उठा करके हाथ में ले ली। उंगलियों की तरफ इशारा किया, उन आंखों ने कहा देख ये तेरे पति की भुजा है। हस्तरेखा को देख करके आज सुलोचना समझ गई कि हमारे पति युद्ध में मारे गए। लेकिन दोस्तों देख बलम की भुजा सुलोचना धरण गिरी भैराई रे, दोस्तों आज अपने हृदय सम्राट की भुजा को देखकर पत्रता का हृदय कांप गया। देख बलम की भुजा दुलहिन धरण गिरी भैराई रे, ओ वेदना अब खून पापत दुखिया रान बनाई रे, मिन छे छे महीना चलो चित्त हटाई रे, मिन छे छे महीना व्रत राखो भोगन चलो चित्त हटाई रे, जब पतिव्रता पे सिला सरगत प्रभु ने दई कहने लगी मैंने छह छह महीना तक व्रत रखा, न भोजन किया न भोग, सिर्फ अपनी पति की जिंदगी के लिए, लेकिन ये क्या हुआ। लई पहचान भुजा सैया की गैया सी टकराई रे, छाती तलाई ती लगाई रे, मैं कैसी करूं, सोच रही है मैं कैसी करूं पिया दूजे रन में, मैं कैसी करूं, मेरे ससुर ने घर में, मैं कैसी करूं पति झूठे रंग में, मैं कैसी करूं, बालापन में विधवा कर दिया, मेरे ससुर रावण ने जान की नहीं जान की मौत रख लिया घर में, बाग की समझिए सैर नहीं, आधार में बिल्कुल जान लई लंका पति की अब खैर नहीं, जब पति टूट गए रन में लंका को मौत ने घेरा है, और बंदर भालू ना ही अनुर मौत ने लगाए लो डेरा है, मैं कैसी करूं नारद हाय कैसी करूं पिया जूझे रन में, अरे कैसी करूं,
भुजा को अपनी छाती से लगाकर और यही सोच रही है कि मैं अब क्या करूं, मेरे अब ओठों की लाली और हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी, मेरे ससुर ने ये जौहर किया है जो वो जान की प्यासी जानकी को यहां रख लिया। दोस्तों सोचने लगी और भुजा से बोली, अगर तू मेरे पति की भुजा है तो मुरड़ की कहानी अरे लिख के बता, मोई रड़ की कहानी भुजा से कहने लगी, अगर मैं सच्ची पतुरता हूं और मेरे पति की भुजा है तो हमें सिर्फ यह बता लिख करके कि मेरे प्राणेश्वर कैसे मारे गए। लपेटा मारा है ओरी भुजा, मेरा तेरा दामन चोली का साथ है, सिर्फ मुझे ये बता दे कि मेरे प्राणेश्वर युद्ध में कैसे मारे गए। दोस्तों जब ये कहा तो आज मेघनाथ की भुजा लिखने लगी और कहने लगी, लिख करके कह रही है, लिख कर बता रही है, शेषा अवतार जो लक्ष्मण है हे प्यारी अति बलधारी है, हमने उनके जीतन के लिए यज्ञ की करी तैयारी है।
लिख के बता रही है कि रामा दल पे विजय पाने के लिए हम यज्ञ करने के लिए बैठे और पद्मासन मार के बैठ गए। धर ध्यान नैन में मुंदे तब तक बानर भालू गोरी मेरी आज में धर के टूटे हैं। हे देवी, वो भुजा लिख के बता रही मैं पद्मासन मार के बैठ गया और जिस समय हमने अपना चित्त देवी के चरणों में लगाया तब तक रामा दल की सेना टूट पड़ी। त्रिशूल खेच करके हमने जब कर दीनी धर मारी है, मूर्छित कर दिए हैं जाम बंत और हनुमान बल धारी है। लक्ष्मण ने अरलीनो बाण समारी है, सरकाट भुजा मेरी छाट दई ओ तेरो मर गो बल महाजारी है। लक्ष्मण के बाणों ने मेरे बदन को छलनी कर दिया, हमारी बाह भी छांट दी, हमारा सर भी काट दिया। एकदम से सिलोचना रोके कहने लगी, महाराज सर कहां है? तो दोस्तों बाण लिखा, मेरो रामा दल में सीसरे के पास है लघु बन के, मेरी साजनिया